अलग चॉइस होती है, किसी को कुछ पसंद होता है किसी को कुछ, और अगर वो उल्टे सीधे मौसम में आ गया और उसकी पसंद के हिसाब से ना मिला तो फिर कैसा होगी। ठीक है, हम देख लेते हैं सही समय क्या है कि हमारी हो चुकी है फ्लाइट कैंसिल। चेहरा हो चुका है हमारा बेकार। वो सभी चीज़ें अपने साथ लाए जिससे कि बचा जा सके। देखिए मित्रों, एक काम की बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही काम की। आज हमें 11 दिन हो गए कश्मीर में प्रीपेड प्लस पोस्टपेड। यहाँ खाने का क्या सिस्टम है कश्मीर में, ना कुछ चीज़ें जान लेनी ज़रूरी है। ले भाई, और चाहिए तुझे बर्फ? और ले ले बर्फ, कह रहा था बर्फ ना पड़ी। हाँ तो भाई साहब, हम कश्मीर पहुंच गए और किस चीज़ से पहुंच गए वो भी हमने आपको बता दिया। आप देख लेते हैं कि यहाँ आने का सही समय क्या है। ऐसे भी तो होना चाहिए ना कि हर आदमी की अलग चॉइस होती है, किसी को कुछ पसंद होता है किसी को कुछ, और अगर वो उल्टे सीधे मौसम में आ गया और उसकी पसंद के हिसाब से ना मिला तो फिर कैसा होगी। और अगर मान लो जिसको हरियाली पसंद है वो जनवरी में जाएगा तो यहाँ घंटा हरियाली देखेगा, चारों तरफ बर्फ़ ही मिलेगी। हर समय सही है यहाँ आने का, खूबसूरती तो आपको यहाँ हर मौसम में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं, अगर आपको ऐसी स्नोफॉल देखनी है, ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखना है, तो आपको आना पड़ेगा दिसंबर लास्ट से फरवरी के बीच। ठीक है, उस दौरान आपको चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ मिल जाएगी। आप चाहे श्रीनगर में हो, गुलमर्ग में हो, पहलगाम, सोनमर्ग, चारों तरफ आपको बर्फ़ ही मिल जाएगी। इतना खूबसूरत यहाँ नज़ारा होता है। लेकिन ये मौसम सिर्फ दिसंबर लास्ट से फरवरी तक उनके लिए अच्छा है जिनको स्नो पसंद है। ऐसा नहीं कि आपको हरियाली पसंद है या कुछ और पसंद है, आपको बर्फ़ से कोई दिक्कत होती है तो भैया इस मौसम में आप ना आइए। हम जैसे पागलों के लिए ये मौसम है दिसंबर से फरवरी तक स्नोफॉल वाला। ठीक भैया, स्नोफॉल तो हमने बहुत आई देखी लेकिन ऐसी तो कभी नहीं देखी। इतने मोटे मोटे गोले से पड़ रहे हैं जैसे अपने यहाँ वो पड़ते ना ओले, ऐसे कुछ मान लीजिए, कभी नहीं देखा ऐसा सीन, हमने कहीं नहीं देखा जैसे ये बर्फ़ पड़ रही है। कई जगह हम गए, हो सकता है कि हम जहाँ गए हो वहाँ मौसम अलग हो या गलत जगह गलत टाइम पर गए हों, लेकिन ऐसी स्नोफॉल नहीं देखी हमने। गजब है भाई साहब, गजब कतई जहर। बे कोई से तो हाथ आ जा भाई, हाथ आने के चक्कर में हाथ नीचे चला गया तो हो जाए काम। उसके बाद फरवरी होगी, अब हमारा आता है मार्च से जून तक, जब अपने अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टेट में जलती चुपती घमोलियाँ, जलती चुपती गर्मियाँ पड़ती है ना, तो उस दौरान आप यहाँ आइए। ठंडा मौसम होता है अच्छा, गर्मियों में यहाँ का तापमान मेरे हिसाब से 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, 30 से भी कम मान लीजिए 25 से नीचे रहता है, 10 डिग्री से 25 के बीच यहाँ रहता है। आप वहाँ से आएंगे यहाँ ठंड महसूस करेंगे। हाँ, उसकी एक ख़ास बात यह है कि जून जुलाई में यहाँ खिलते हैं फूल। ये जो डल झील है ना, यहाँ काफ़ी तरह के फूल खिलते हैं और नज़ारा ऐसा मिलेगा उस दौरान, क्योंकि यहाँ तैरते हुए गार्डन भी है ना, तो वहाँ फूल उगते हैं। और गुलमर्ग में भी जो है पूरा जो बर्फ़ का एरिया ना फिलहाल अभी हुआ पड़ा है, वहाँ भी आपको जगह जगह बोले तो हर जगह आपको फूल खिलते हुए मिल जाएंगे। हाँ, उस दौरान अगर आप फिर भी बर्फ़ देखना चाहते हैं तो फिर आपको गुलमर्ग में फेज़ टू गोंडोला है उसका सहारा लेना पड़ेगा। फेज़ टू जिससे जैसे आप जाएंगे ऊपर तो आपको वहाँ पर बर्फ़ मिल जाएगी, मतलब पड़ती हुई नहीं पड़ी हुई मिल जाएगी, और वहाँ से LOC भी दिखता है अपना पड़ोसी। ठीक, उसके बाद आता है जुलाई से अगस्त का मौसम, तो आपको पता ही है क्या होता है, भारी बारिश होती है, लेकिन और इलाके के मुकाबले यहाँ जम्मू कश्मीर में बारिश कम होती है तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन उस दौरान जिनको हरियाली पसंद है उनके लिए ये सबसे अच्छा मौसम है जुलाई से अगस्त तक का, यह कहे कि जून से अगस्त तक का। अब आते हैं अक्टूबर से नवंबर भी ठीक ठाक है, उस दौरान तो अपने वहाँ बाकी एरिया में भी थोड़ी बहुत हल्की सी सर्दी शुरू हो जाती है, सर्दी क्या मतलब गर्मी थोड़ा कम हो जाती है, तो उस दौरान भी आप यहाँ आ सकते हैं।
ठीक भैया, अब कोई सा जैसा आपका हिसाब हो आप आ जाइए, लेकिन हमें स्नो पसंद है इतनी खूबसूरती, तो हम यहाँ सर्दियों के मौसम में आए हैं। हाँ, लेकिन सर्दियों के मौसम में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हैवी स्नोफॉल के चलते फ्लाइट आपकी कैंसिल हो सकती है। और हाईवे बंद हो सकते हैं, जैसे हमारे साथ हुआ, हमारी 3 तारीख को फ़्लाइट थी, लेकिन अभी हैवी स्नोफॉल के चलते वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई, और अभी हमें मौका भी नहीं मिला कि हमारी अगली फ़्लाइट कब है। उसके बाद हमने कोशिश की श्रीनगर से जम्मू हाईवे के लिए, 80 किलोमीटर हम गए गाड़ी करके। लेकिन भैया वो आगे जब पता चला कि रोड बंद है तो हमें वापस श्रीनगर आना पड़ा। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप कोई सा भी मौसम कैसा भी है बस आ जाइए। लल्ला, अरे छोड़िए यार, फ्लाइट कैंसिल होगी तो होने दो, लेकिन ये चीज़ देखिए आप। ओ, 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 कश्मीर में अपना तिरंगा, कितना सुकून मिलता है ना कश्मीर में तिरंगा देखकर। तो बोलो भारत माता की जय। ये आन तिरंगा है, कसम है हम तो अपना शीश कटा देंगे, जितना भी इस जिस्म में सारा लहू बहा देंगे, हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। मौत परोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे, अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। हाँ जी, अब मैं बताता हूँ आपको डल झील आने का बेस्ट टाइम क्या है। हालांकि आप मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन वो डल झील है। अगर आप जमी हुई झील देखना चाहते हैं तो आप आइए जनवरी से फरवरी में, लेकिन अगर खिलते हुए फूल देखने हैं तो आपको आना पड़ेगा कब से भाई, जून से अगस्त के बीच। इस डल झील में काफ़ी फूल खिलते हैं, कमल के फूल, कुमुदिनी क्या बोलते हैं उसको, उसके फूल, और अब आपके ऊपर डिपेंड है कब आना चाहेंगे। जमी हुई झील देखना चाहते हैं तो आइए आप जनवरी से फरवरी के बीच, और झील में खिलते हुए फूल देखना चाहते हैं तो आइए जून से अगस्त के बीच। और भाई साहब क्या नाम है, वो कह रहे थे कि ये झील इतनी जम जाती है कि इस पर हम गाड़ी तक चला सकते हैं, जीप चला सकते हैं इस पर गाड़ी, और इस पर बच्चे कश्मीर में ना कुछ चीज़ें जान लेनी ज़रूरी है जो हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो हम देखिए मित्रों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आग से ही चीज़ें जलती हैं या चेहरा जलता है, बर्फ़ से है या फिर ठंडी ठंडी हवाओं से भी चेहरा झुलस सकता है। oh, no! स्नोफॉल के कारण चेहरा हो चुका है हमारा बेकार। बेकार बोले तो देखिए, पता नहीं चेहरा पर क्या क्या हो गया, होठ पूरे काले हो गए, और यहाँ पता नहीं ये क्या हो गया, ठंड के कारण बर्फ़बारी लगातार हो रही है तो चेहरे की कंडीशन बड़ी ख़राब हो चुकी है हमारी। खैर, ठंड में तो ये सब हो ही जाता है, अब कर भी क्या सकते हैं। तो अपने पास ग्लिसरीन बोले तो क्या बोलते हैं उसके, लिप बाम, वैसलीन और चश्मे, और मतलब वो सभी चीज़ें रख कर लाएँ, वो सभी चीज़ें अपने साथ
लाए जिससे कि बचा जा सके। सिर दर्द, बदन दर्द, दार दर्द, जितने भी तरह के दर्द होते हैं सबकी दवा दारू और दारूनी सबकी दवा साथ लेकर आए, दारू मत लाइए भाई साहब। तो सब चीज़ अपनी फुल तैयारी से चलो, कुछ हो गया या ना हो गया वो बात अलग है, आपके पास सब चीज़ें रहेंगी तो कभी भी निकाल कर यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है ये, ठंड भी लग सकती है, बदन दर्द उदन दर्द कुछ भी शुरू हो सकता है। तो सेफ आइए और आराम से खेलिए। ये पीछे लिखा है वेलकम टू इंडिया कश्मीर, ये पीछे लिखा है मुस्कुराइए, आप कश्मीर में हैं, मुस्कुराइए, आप इंडिया में हैं, समझ रहे हो? तो भाई समझ रहे हो ना। देखिए मित्रों, एक काम की बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही काम की। अगर आप बाहर से आ रहे हैं या मान लीजिए कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, वो ये, क्योंकि जब आप ऐसे सॉक्स या मोजे लेकर आएंगे तो भैया इनसे काम नहीं चलेगा। ए, हमारे लीड कहाँ गई, कहाँ पड़ गई? हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब कहीं भी आप आ रहे हैं बाहर से कश्मीर में या कहीं की ठंड वाले इलाके में, तो भैया ये जो है ना छोटे मोटे मोजे काम नहीं करेंगे यहाँ पर, ये टुच पुंजिया से। इसके लिए आपको, अगर आप इनको लाएंगे तो आपको पहनना पड़ेगा 2-3 जोड़ी, जब जाके थोड़े जूतों में आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो मोटे वाले जो मोजे होते हैं ना, मोटे वाले मोजे या सॉक्स, वो आप यूज कर सकते हैं, वो यहाँ मिल जाएंगे कश्मीर में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ई देखिए, ई है मोटे वाले मोजे सॉक्स, हिंदी इंग्लिश में अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ये देखिए कितने मोटे हैं, ये इतने मोटे हैं, तो इनको अगर आप एक जोड़ी भी पहनेंगे तो आपको चल जाएंगे, जूतों में आराम मिल जाएगा। लेकिन ये टुच पुंजिया से लाएंगे ना, ये हल्के फुल्के से, तो ये आपको पहनने पड़ेंगे 2 या 3 जोड़ी, जब जाकर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि गर्मी सी लग रही हो। लेकिन इनको एक जोड़ी पहनेंगे तो आपको राहत मिल जाएगी, ठीक है भाई साहब? तो चलिए और बताइए, क्या हम आपको जानकारी दे सकते हैं जरूरी? ये यहाँ कश्मीर में ही मिल जाएंगे, ये हमें मिले हैं इस तरह के 3 जोड़ी मिले हैं हमें 300 रुपये के। अगर आपकी सौदेबाजी अच्छी है तो ये 200 रुपये में भी मिल जाएंगे, ऐसी की बात नहीं है। इनसे अच्छा ये होता है कि मोटे होते हैं ये, ठीक। कश्मीर आ रहे हैं तो भाई साहब ये चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको, या तो गैस सिलेंडर वाला ये हीटर मिल जाएगा, या फिर ये जो यहाँ प्लग होता है ना, जो ये गर्म कंबल में लगता है, हॉट क्या कहते हैं, हॉट बेड, इलेक्ट्रिसिटी वाला बेड मिल जाएगा, या फिर आपको मिलेगा ये गर्म पानी पैरों में रखने के लिए, ये कॉमन चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी भाई साहब। तो क्योंकि ठंड ज़्यादा है, दिन में इतनी ठंड नहीं, रात में बहुत ठंड है यहाँ पर, तो जब भी आए पैक होकर आए। तो दोस्तों, आज कश्मीर में हो गए हमें 11 दिन, कल 12वां दिन है। इस दौरान हमने बहुत कुछ जाना है, आपको वो हम वीडियो सीरीज बना के डिटेल दे देंगे। अब देखिए, यहाँ मैं एक बात कर लेता हूँ इम्पोर्टेंट, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर से, अदर स्टेट से आ रहे हैं इंडिया के, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पोस्ट पेड सिम की। यहाँ वो रिचार्ज वाला जो प्रीपेड वाला बिल सिम होता ना, प्रीपेड वाला, वो यहाँ नहीं चलेगा, आपको पोस्ट पेड वाला सिम लेना होगा। तो अगर आप वहाँ से ला रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं ला रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ भी आपको प्रीपेड प्लस पोस्ट पेड, यहाँ एक ही सिम दोनों रूप में आता है, वो पोस्ट पेड भी होता है, प्रीपेड भी होता है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे 450 में आइडिया वोडाफोन का, वो 3 GB पर डे के हिसाब से, या और भी जियो के हैं, उसके जियो के नेटवर्क यहाँ ठीक ठाक है, आप उनको ले सकते हैं। हाँ, अगर आप वहाँ से भी नहीं ला रहे हैं और यहाँ से भी नहीं ले रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ के जो होटल मालिक होता है उससे आप बोलिए, वो आपको अपना सिम दे देगा बात करने के लिए या नेट चलाने के लिए भी। दूसरी बात है, यहाँ खाने का क्या सिस्टम है, खाने की भी देखिए, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो भैया कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, नॉन वेज के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आप हमारी तरह, मेरी तरह शाकाहारी हैं, तो भैया आपको बहुत दिक्कत होगी। वैसे तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती है वेज में भी, लेकिन फिर भी मैं उसको लिमिटेड कहूँगा। देखिए यहाँ पर जो है, ये कश्मीरी लोग
खाते हैं ज़्यादातर, एक तरह से चावल बहुत खाते हैं। अगर ये रोटी नहीं खाते, चावल खाते हैं। अगर रोटी ये सिर्फ तभी बनाते हैं जब टूरिस्ट आता है या उनके लिए बनानी हो तो टूरिस्टों के लिए रोटी बनाते हैं, खुद ये रोटी नहीं खाते, चावल ही ज़्यादा खाते हैं। तो चावल यहाँ खेती होती है। अब वैसे तो वेज में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे अगर आप किसी ठीक ठाक से वेज वाले होटल पर जाओगे तो काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उसको लिमिटेड ही कहूँगा। जैसे चावल मिल जाएंगे, दाल मिल जाएगी और एक दो सब्ज़ी और मिल जाएगी। अब भैया शाकाहारी के लिए यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वैसे ऑप्शन के तौर पर माने तो मिल जाएंगे, दाल है, सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको वैरायटी चाहिए तो वहाँ तो वो आपको यहाँ थोड़ी कम मिलेगी। कि अगर गुलमर्ग में ही रुकना है ऊपर गोंडोला की साइड, तो भैया एडवांस बुकिंग करा के आए, वरना ऐसे फिरोगे जैसे हम फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरे खाते हुए। oh, no. सांस ऊपर से और चढ़ रहा है। ऐसे यहाँ कई टूर पैकेज होते हैं, ये जो सिलेज वाले होते हैं ये हमें पड़े लगभग 3,500 रुपये में। ये तीन गाइड, दो सिलेज वाले थे, एक गाइड थे, और इन्होंने हमें दिखाया चर्च, शिव मंदिर या कह लो महालक्ष्मी मंदिर, उसके बाद स्ट्रॉबेरी वैली दिखाएंगे आपको ये, और एक आध एक मछली वाली कोई झील थी जमी हुई वो आपको दिखा देंगे। लेकिन अब काम की बात सुनिए, अगर आपका बजट कम है तो भाई साहब आप गुलमर्ग में पैदल घूम सकते हैं, चारों तरफ कोई दिक्कत नहीं है आपको, ना तो कोई गाइड करने की ज़रूरत है और ना ही ये सिलेज वाले, क्योंकि 3,500 रुपये में कुछ इन्होंने खास नहीं कराया, हमें सिर्फ सिलेज थी उस पर रुकवाया है, और आसपास तो गुलमर्ग में थे सभी, और गोंडोला का तो भैया आपको अलग से पैसे देने ही पड़ेंगे, तो फिर गाइड का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है अगर बजट ठीक नहीं है तो। लेकिन हमने इनसे बात की, बोल रहे हैं कि भाई हमारी भी रोजी रोटी का सवाल है, तो भैया हमने कर दिया बुक, अगर ठीक लगता है तो इनके साथ आ जाइए, वरना तो पैदल भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूमिए। नहीं नहीं पैदल आना। अच्छा ये बताओ यहाँ पैदल आने में क्या दिक्कत है? तो दूरी पाना। अच्छा बताओ हम लोग का रोजी कैसे बनी? हाँ नहीं रोजी हाँ, का सवाल है ना सर, ये कैसे है ये वो डिपेंड करेगा कि आप सौदेबाजी करने में कितने अच्छे हैं। जितना ज़्यादा यहाँ सौदेबाजी करेंगे उतना ही आपको बचत होगी। आप मानकर चलिए जितने भी वो बोले रेट उससे एक तिहाई कर लीजिए, ताकि आपको भी फ़ायदा रहे, और उनको तो खैर फ़ायदा हर कंडीशन में रहता ही है क्योंकि वो तो काटते हैं। और बाकी ये हमारा साथी है, ये बता देगा क्या हुआ है पूरी डिटेल के साथ। चलिए आइए यहाँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जम्मू और कश्मीर आने से पहले, जैसे कि श्रीनगर में हम आए हैं, तो आने से पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप आएँ तो आने के बाद, जैसे आप आएँ, अब आपको आने के बाद टैक्सी चाहिए होगी घूमने के लिए, सवारी चाहिए होगी जाने के लिए, आप पर्सनल गाड़ी लाएंगे तो वो बात एक अलग होती है। आप अपनी गाड़ी, आप अपनी जैसे फ्लाइट से उतरते हैं तो बाहर उतरें, बाहर उतर के दलालों के चक्कर में ना पड़ें, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। उतर के जैसे आप उतरेंगे, एयरपोर्ट के सामने ही टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, आपको टैक्सी से जाना है अपनी बुक करके, तो प्रीपेड टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से आप टैक्सी बुक करें, वो आपको सही रेट में मिलेगी, वो आपको मुनासिब भी मिलेगी और अच्छे रेट में मिलेगी, कोई धोखाधड़ी आपके साथ नहीं करेगा उसमें से। दूसरी बात, यदि आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो शेयरिंग में टैक्सी मिलती है, वो 100 रुपये 50 रुपये पर पर्सन लेता, कहीं भी छोड़ने के आसपास में जहाँ भी जाना हो उस हिसाब से रेट बने हुए हैं। यदि आप बस से सवारी करना चाहते हैं और ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो 70 रुपये टिकट लगता है बस का, जो कि यहाँ पे मेन बस स्टॉप है TRC श्रीनगर के अंदर, जहाँ पे हम अभी रुके हुए यहीं पे, तो TRC के अंदर तक आपको छोड़ने 70 रुपये लेता है, और TRC से आपको सब जगह के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप जब भी आएँ किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, किसी गाइड के चक्कर में ना पड़े। आपको गुलमार्ग का बहुत नाम है कि आपको गुलमार्ग जाना है, आप TRC आएँ, TRC आके यहाँ पर आके बात करें कि हमको गुलमार्ग जाना है। गुलमार्ग के लिए शेयरिंग में टैक्सी मिलती है, यहाँ से 150 रुपये लेते हैं टंगमार्ग तक के लिए, और टंगमार्ग से आगे को 50 रुपये लेते हैं गुलमार्ग तक के लिए। आपको शेयरिंग में टैक्सी 200 रुपये में आप गुलमार्ग पहुंच जाएंगे। आप किसी टैक्सी ड्राइवर से बात करेंगे तो वो आपको ठगने की कोशिश करेगा, आपको 5,000 बोलेगा, आपको 10,000 बोलेगा। अब जैसे कि वो आत मैं आपको अगले उसमें एपिसोड में बताऊँगा, अभी मैं आपको ये बताता हूँ। उसके बाद आपको पहलगाम जाना है, पहलगाम का बहुत नाम है। पहलगाम के लिए आपको टैक्सी मिलेगी, TRC से मिल जाएगी, यहाँ से आपको 100 रुपीज़ में, बीच में वो एक डिस्ट्रिक्ट आता है, 100 रुपीज़ में यहाँ से उस डिस्ट्रिक्ट तक छोड़ेगा, मेरा आई थिंक मेरा नाम याद नहीं आ रहा है,
उसके बाद फिर वहाँ से आपको पहलगाम के लिए 100 रुपीज़ में आगे की मिल जाएगी, यानी कि 200 रुपये में आप पहलगाम पहुँच जाएंगे और 200 रुपये में पहलगाम से आप वापस आ जाएंगे। ये ध्यान रखना है सर्दी के टाइम पे रिटर्न 5 बजे तक टैक्सी मिलती है, 5 बजे से आप लेट हो जाओगे तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा, बट रुकने वाले ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वहाँ पे गेस्ट हाउस सस्ते भी हैं और हाई लेवल के भी हैं, उसमें रुकने कोई टेंशन वाली बात है नहीं। वैसे कश्मीर सुरक्षित है, किसी तरह की कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ध्यान रखना है ठगी से बचना है, जैसे हमारे साथ एक लड़के ने किया है। उस ड्राइवर का नाम है आमिर और हमसे अल्लाह और खुदा की कसम कहते खाते खाते और हमारा अपना भाई भाई बन के और हमसे वो हमारे साथ धोखाधड़ी उसने की है। हमारी उसकी बात हुई थी 4 दिन की, वो 8,000 उसने बोला, हमने उसको 7,000 में बात की, ठीक है 4 दिन हमारे साथ रहेगा, हम तुझको 7,000 रुपये देंगे, तो कुछ भी कर, हमें जहाँ जाना है ड्रॉप करना है पिकअप करना है वो हमको करेगा। तो वो रेडी हो गया था 7,000 में, खाना पीना सब हमारा था, हम उसको खिला पिला अच्छे से रहे थे। 2 दिन वो हमारे साथ था, 1 दिन हमारे साथ रुका और अगले दिन वो हमें छोड़ के कहीं चला गया था। फिर हमने उसको बोला कि भाई हम एक्चुअली हमको उसने गुलमार्ग छोड़ा था, हमने उसको बोला कि भाई आ जाओ और हमको जो है अभी हमको श्रीनगर जाना है। उसने हमको वहाँ से बैठाया, पहले तो उसने मना किया मैं आपको रिसीव करने नहीं आ सकता हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ। फिर हमने उसको बोला हमने तेरे को बुक कर रखा है तो भाई आपको आना तो पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे। फिर वो किसी तरह से वो तो नहीं आया, किसी दूसरे ड्राइवर वाले को उसने भेजा और रास्ते से उसने हमको रिसीव किया। उसने 2 दिन में ही हमको बीच रास्ते में छोड़कर हमसे बोल लगा 12,000 आपके हो गए, ठीक है। हमने उससे बहस, हमने कहा भाई 12,000 किस तरीके से हो गए, हम भी जानते हैं जब हमारी तेरी बात 7,000 की हुई है, हम तेरे को अपने साथ रख रहे हैं, तरीके से बात कर रहे हैं, खिला पिला हम तेरे को रहे हैं। उसके बाद उसने बीच में डल लेक गेट नंबर 9 के पास उसने हमको छोड़ दिया, बीच में छोड़ के चला गया, उससे लड़ाई भी हुई, बहस भी हुई और लोग बाग आसपास के आ गए, फिर बातचीत हुई, हमने उसको बताया। अब ये सब कश्मीरी एक ही होते हैं, सबने कश्मीरी में पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया, हमको तो उसको समझ में आ नहीं रहा था। अब हम बाहर से आए हुए थे, हमने इतनी बात बहस नहीं करी, फिर एक हमारे रिलेटिव हैं आर्मी में उनके थ्रू बात हुई, तब जाके फिर भी वो हमसे 8,000 रुपये लेके और चला गया, तो बीच रास्ते में छोड़ के, जो बात हुई थी 4 दिन की वो 2 दिन में ही छोड़ के चला गया। वो हमारे लिए क्यों हुआ, क्योंकि हमने बीच से वो पकड़ा था, हमने प्रीपेड टैक्सी स्टैंड से वो नहीं लिया था। तो इस चीज़ की सावधानी आपको करनी है, इस तरह के ड्राइवरों से बचना है और अपना सेफली घूम के जाना है। अब बात करते हैं गुलमार्ग, आप जैसे जाते हैं वहाँ जाके आपके पीछे गाइड पड़ेंगे, गाइड कर लो। गाइड करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब पास में देखने को मिलता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जब भी आएँ सुरक्षित जाएँ, अच्छे से कश्मीर घूमें। तो मैं आपको यही सब मैसेज देना चाहता था, ठगी वाले ड्राइवर से बचना है, ख़ास तौर से आमिर जैसे ड्राइवर से बचना है, ठीक है बाय। तो चलिए अब हम जाते हैं खाना खाने, क्योंकि पता नहीं कब वो हो जाए। इस जन्नत को किसी की नज़र लगी हुई है, तो दीवारों पे हमें कुछ लिखा मिला था, वो जो उसमें एक गाना बज रहा था। अच्छा देखो इधर बजाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद कर गए। गर्म पानी यहाँ कितनी देर गर्म रहेगा, जैसे एक दो बार कुछ हमले भी हुए ना, हुआ वो। एक कश्मीरी को भी इतना कश्मीर के बारे में नहीं पता होगा जितना हमने मालूम कर लिया। डरता नहीं है क्या तू जो कश्मीर में इतनी रात में सड़कों पर टहल रहा है? फोर्स भी है, फोर्स। जय हिंद सर। या जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्स है वहाँ जाइए, उनसे पूछिए वो आपको कम।